हाय गाइस, बहुत से लोगों को कौन समझ में नहीं आता है कि उनके जो सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra है उसके अंदर वो 200 मेगापिक्सल का कैमरा किस तरीके से एक्टिवेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा एक्टिवेट करना ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से उसे कर सकते हो। बस उसके अंदर आपको कैमरा ऐप ओपन कर लेना है। आप जब जैसे ही ओपन करते हो ना, तो आपको यहाँ पे जो है अलग अलग ऑप्शन देखने मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 16:9, मतलब अलग अलग जो रेशियोज होते हैं ना वो आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो उन रेशियोज़ के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 12 मेगापिक्सल एंड 16 मेगापिक्सल, तो यहाँ पे जैसे ही आप 200 मेगापिक्सल सिलेक्ट करोगे गाइस, तो आपका जो फोटोग्राफ है वो 200 मेगापिक्सल से शूट होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 200 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल से भी आप फोटोग्राफ ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 200 मेगापिक्सल से एक फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक करने की अभी कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम अभी क्या करते हैं, ये फुल मोड में आ चुका है, यहाँ पे आ जाते हैं 200 मेगापिक्सल पे। अब 200 मेगापिक्सल पे हम यहाँ से एक फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे 200 मेगापिक्सल पे एक फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक किया, उस अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं दोस्तों, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दोनों फोटो हमने क्लिक किया है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसका साइज़ देखेंगे कि इसका साइज़ आता कितना है। बेसिकली साइज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से हम इसका जो है साइज़ देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, उसके बाद में जो है यहाँ पे हम देखिए इसकी साइज़ क्या बता रही है, 21.79 MB। ओके, 21.79 MB का है ये इसका फाइल साइज़। ये सेकंड जो फोटोग्राफ हमने क्लिक किया था उसका साइज़ है 26.76 MB का उसका साइज़ है, एंड जो हमारा पहला था उसका लगभग 21.79 MB का उसका फाइल साइज़ है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा है, अगर आप एक और चाहते हो तो मतलब कि अगर मैं एक और अभी 200 मेगापिक्सल से क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा अभी हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं एंड अभी क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने फ़ोटो क्लिक किया है, ये पूरा जूम करके भी हम एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है, एंड ये देखिए अब उसके साथ मैं पूरा जूम आउट करके भी एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो अभी मैंने लगभग 2-3 फोटोग्राफ यहाँ पे अलग अलग इसमें क्लिक किया है। तो अब दोनों तीनों का मैं ये देखने वाला हूँ, मतलब कि क्या क्या हुआ है, कितना कितना उसका डिटेल से हर एक चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ तो ये देखिएगा, मैं जेस्चर भूल गया हूँ दोस्तों, हाँ आ गया, देखिए अब इसका जो फाइल साइज़ है वो लगभग 19 MB का फाइल साइज़ है इसका। एंड अगर मैं बात करूँ अगले फोटोग्राफ की, तो इसका 1.56 MB का है, एंड इसकी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 14.70 मेगापिक्सल का है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो। देखिए अभी मैं 200 मेगापिक्सल का यहाँ पे है, और उसके साथ साथ ये इतना बड़ा रिजोल्यूशन पर मैं क्लिक करने की अभी यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ओके, पूरा जूम आउट है। अब पूरा जूम आउट होने के बाद में उसके अंदर कितने पिक्सल से क्या क्या उसके अंदर चीज़ें दी गई है, तो वो सब एनालिसिस करने के बाद में जो है वो फोटोग्राफ का साइज़ दिखाता है। अब फिलहाल जैसे कि आप पे 12 मेगापिक्सल का फोटोग्राफ वो दिखा रहा है, अब उसी अकॉर्डिंगली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ 50 मेगापिक्सल का भी एंड 12 मेगापिक्सल का भी। तो ये 12 मेगापिक्सल का फोटोग्राफ हमने पहले क्लिक किया है, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं 50 मेगापिक्सल का फोटोग्राफ। अब दोनों फोटोग्राफ हमने क्लिक किया है, अब दोनों का मैं क्या करने वाला हूँ ना, डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ यह, इसका डिटेल देख लीजिए, 14 MB का है ये, 12 मेगापिक्सल का, एंड ये देखिएगा, हाँ तो ये है 50 मेगापिक्सल वाला एंड ये है 12 मेगापिक्सल वाला। तो फाइल साइजेस आप जैसे देख सकते हो वैसे वहाँ पे आ जाए। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी इसका जो फाइल साइजेस होते हैं दोस्तों, ये 150 मेगापिक्सल से लिया गया फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा है, तो आप आपके इसमें कितना साइज़ आता है तो वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि 12 मेगापिक्सल है, 50 मेगापिक्सल है, 200 मेगापिक्सल है, वो किस अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको दिखाई देता है, या फिर आपके इसमें कितना स्टोरेज कंज्यूम करता है वो भी बता सकते हो। जैसे आप रिजोल्यूशन चेंज करते हो, तो रिजोल्यूशन चेंज करने के बाद भी आप एक बार फ़ोटो में ले करके देखता हूँ कि 1:1 में कितना आ जाता है। एंड फाइनली हमारा अगर फुल स्क्रीन रहेगा तो फुल स्क्रीन में 200 मेगापिक्सल का फोटोग्राफ कितना कंजम्पशन यहाँ पर लेने वाला है। तो फिलहाल तो अभी हमने वापस 16:9 पे से रख दिया है, वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे नॉर्मल मोड पे 12 मेगापिक्सल वाले, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसका साइज़ चेक करें तो इसका जो साइज़ है दोस्तों, अभी एक मिनट में साइज़ देख लीजिए, 32 MB का इसका साइज़ हो चुका है, ठीक है, 32 MB का, यानी 1:1 वाले का 39 MB का साइज़ यहाँ पर हो चुका है। तो मतलब साइज़ भी डेफिनेटली बढ़ जाता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप कितना ज़्यादा हेवी साइजेस यहाँ पे हो जाता है। तो जिस अकॉर्डिंगली आप क्लिक करोगे, जिस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हो, उस अकॉर्डिंगली इसके साइजेस चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।